ऐसे बोल के अपने रिश्तेदारों को भेजा, हमने लड़की को इतनी जल्दी विदा कराएगा लड़की को, हमने सामान भी ऐसे राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर का शोर सुनाई देने लगा है। और ना सिर्फ शोर सुनाई देने लगा है बल्कि गरीबों की अवैध झुग्गियों पर चलने भी लगा है। जी हाँ, बता दें कि बुधवार को दिल्ली के ख्याला इलाके में MCD का बुलडोजर चला, जहां दर्जन भर से ज्यादा झुग्गियों को कोर्ट का स्टे होने के बावजूद अवैध बताकर MCD के बुलडोजर ने मलबे में बदल दिया। और MCD के अधिकारियों की हद तो तब हो गई जब उस घर पर बुलडोजर चला दिया गया जिस घर में एक बेटी की बारात आनी थी। घर में मेहमान और रिश्तेदार आए हुए थे, जहां शहनाइयां बजनी थी वहां बुलडोजर गरजने लगा, जिसे लेकर दुल्हन की मौसी का कहना है कि MCD के अधिकारियों ने शादी में आए रिश्तेदारों को घर जाने के लिए कह दिया, जल्दबाजी में लड़की की विदाई करनी पड़ी। हमने उन्हें कोर्ट का नोटिस भी दिखाया पर उन्होंने एक न सुनी और घर पर बुलडोजर चला दिया। एक मिनट, पहले नाम बता दो अपना। पूजा, पूजा जी, क्या हुआ था? मैं भी शादी में ही आई हुई हूँ, अपनी बहन के घर, अपनी बहन की लड़की की शादी थी, मैं भी शादी में ही आई हुई हूँ। आप दूर दूर के रिश्तेदारों के हाल बोल लो, सारे अपने घर जाओ, इतनी शर्म आते कि भाई हमारा घर टूट रहा है, आप अपने घर जाओ। ऐसे बोल के अपने रिश्तेदारों को भेजा, हमने लड़की को इतनी जल्दी विदा कराएगा लड़की को, हमने सामान भी ऐसे नोटिस देखो पर नहीं देखा, सर का फोन आया, हमने बोला सर बात करो, हमने बात नहीं की। कोर्ट का स्टे ऑर्डर है आप लोगों का? MCD के बुलडोजर की वजह से खुशियों वाले घर में मातम पसर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास झुग्गियों के पते पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन के साथ साथ बैंक अकाउंट भी हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने उनकी झुग्गियों को अवैध बताकर तोड़ दिया। और जब वो अपने इलाके के आम आदमी पार्टी के विधायक के पास गए तो उन्होंने भी नहीं सुनी। आशा जी, ये लोग आपको जब यहाँ पर आए थे तो कोई सूचना दी थी यहाँ पे आने से? नहीं सर, कुछ नहीं दिया। तो किस तरह से ये लोग पहुँचे और कैसे तोड़ा है सर? सर हम तो कोठियों में जा रहे थे सर, बर्तन सफाई करने। सर 3 तारीख का नोटिस लगा के वो, और सब चीज है सर, आईडी प्रूफ सर, हमें यहाँ 35-35 साल हो गए सर यहाँ पे, और अभी लड़की की शादी थी और सर अभी 8 बजे के कोर्ट में गए उड़ते, जज ने नोटिस दिया, ये नोटिस लगाओ और झुग्गी कहीं नहीं जाएगी। और हमने बच्चों से व्हाट्सअप करवाया सर, और उन्होंने फिर भी वो व्हाट्सअप नहीं देखा सर, उन्होंने हम नहीं देख रहे, मना कर दी सर उन्होंने, लगभग कितने झुग्गियों को तोड़ा होगा? 12-13 झुग्गी थी, 15 झुग्गी, सब में मीटर लगे हुए थे, सब में बिजली का बिल वगैरह आ रहा था, उसके बावजूद तोड़ दिया। तो आपके क्षेत्र से विधायक कौन, उन्होंने कुछ नहीं कहा? कुछ सुनाई नहीं सर हमारी, कुछ भी। कौन विधायक है? विधायक आम आदमी पार्टी से? उसने कोई सुनाई नहीं करी, बता दिया, वो बात ही नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जा रहे दरवाजा के जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, अब इलाके में निगम का बुलडोजर चलने के बाद 15 से ज्यादा घरों के बेघर लोग ठंड में परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल उन नेताओं और पार्टियों से तो पूछा ही जाना चाहिए जो चंद महीनों पहले जब चुनाव था तो जहां झुग्गी वही मकान का सपना दिखा रहे थे, अब वो कहां हैं? यही बता दे कि अब ये परिवार कहां जाएं, कहां सोएं, कहां बनाएं, कहां खाएं? हमें उम्मीद है जवाब नहीं मिलेगा। ख्याला से दिल्ली तक के लिए OP शुक्ला की रिपोर्ट।